Today's video is the result video of Davisco whey protein concentrate after using 15 days. अब कई लोग बोलेंगे कि कोई भी whey protein आपको 15 दिन में result कैसे दिखा सकता है? उसके लिए और भी बहुत सारी चीजें involve होती हैं, जैसे proper workout, proper diet. तो उन लोगों के लिए वीडियो पूरी देखना समझ में आएगा. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. मेरा नाम है धीरज और यह है धीरज होम वर्कआउट. तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी वे प्रोटीन आपको 15 दिन में रिजल्ट नहीं दिखा सकता. उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन, कंसिस्टेंसी. तो फिर हम किसी भी वे प्रोटीन को जज कैसे करें कि ये वे प्रोटीन आपको आगे जाके कितना रिजल्ट देगा, रिजल्ट देगा या फिर ये वेस्ट ऑफ मनी है? तो आज बात करेंगे हम ऐसे कुछ पॉइंट्स पे जिससे आपको ये आइडिया लगाना आसान हो जाएगा, ये अंदाज़ा लगाना आसान हो जाएगा कि कोई भी वे प्रोटीन आपको फ्यूचर में कितना रिजल्ट देगा. तो सबसे पहला पॉइंट है डाइजेशन. किसी भी वे प्रोटीन का डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा वो डाइजेस्ट होगा, जितनी जल्दी वो डाइजेस्ट होगा, उतनी ही जल्दी आपकी मसल रिकवरी होगी. और आपकी मसल जितनी जल्दी रिकवर होगी, उतनी ही जल्दी अगली बार के लिए, अगले वर्कआउट के लिए आपकी मसल प्रिपेयर होगी, तैयार होगी. तो डाइजेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो हम जिस डेविस्को वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के डाइजेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ मुझे थोड़ी खटक रही थी, थोड़ी अखर रही थी, मैंने सोचा वो आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी ने लिखा है कि इसमें है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड किए हुए इन्होंने. अब लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोई नाम नहीं लिखा, कोई भी ये चीज़ मैंशन नहीं की है कि कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम इन्होंने ऐड किए हैं. हालांकि जो इनकी वेबसाइट है, और मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था, तो अमेज़ॉन में इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि इसमें ब्रोमेलिन और पापेन नाम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो ऐड किए हुए हैं. अब वहाँ लिखा था तो यहाँ भी लिख देते तो ज़्यादा बढ़िया होता. तो अब मैं बात करूँ इसकी डाइजेशन की, तो जो मेरा जॉब है, जो मेरी नौकरी है, वो थोड़ी हार्ड है. मैं अधिकतर टूर पर रहता हूँ, तो मैं रात को लेट आता हूँ घर पर. तो मैं लेट आता हूँ तो मैं सुबह लेट उठता हूँ. तो मेरे उठने से मेरे जिम जाने के बीच में सिर्फ एक घंटा होता है, और उस एक घंटे में मुझे सारी प्रिपरेशन करनी होती है जिम जाने के लिए. और मैं प्री वर्कआउट में 20 ग्राम के आसपास वे प्रोटीन लेता हूँ. तो मैं जब ये 20 ग्राम के आसपास वे प्रोटीन एज अ प्री वर्कआउट लेता हूँ, और जब मैं जिम जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा भारीपन महसूस होता है. और बिल्कुल हुआ, मुझे 15 दिन हो गए इसे यूज़ करते हुए, और जिम से आने के बाद भी मेरा पेट थोड़ा भारी रहता है, मुझे हल्की हल्की सी ब्लोटिंग फील होती है. तो डाइजेशन के मामले में ये थोड़ा स्लो है. मैं ये नहीं कह रहा कि डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्ट होता है, लेकिन बहुत स्लो डाइजेस्ट होता है. इससे पहले जो मैं एज इट इज़ या मसल ब्लेज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ले रहा था, तो वो थोड़े से फास्ट डाइजेस्ट होते थे इसके कंपेरिजन में. तो डाइजेशन के हिसाब से ये थोड़ा पीछे है. तो ये तो हो गई डाइजेशन की बात. अब बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की, और पॉइंट नंबर टू इज परफॉर्मेंस. कि कोई भी वे प्रोटीन लेने के बाद जिम में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है या घटती है? क्योंकि वे प्रोटीन जितनी अच्छी तरह से, जितनी जल्दी आपका डाइजेस्ट होगा, उतनी जल्दी आपका मसल रिकवर होगा, और जितनी जल्दी आपका मसल रिकवर होगा, उतनी जल्दी वो प्रिपेयर होगा अगली बार की एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए. तो जो मेरा परफॉर्मेंस का एक्सपीरियंस था इसके साथ, वो मैं आपको बता दूं कि डाउन था. इसको लेने के बाद मेरी परफॉर्मेंस जिम में डाउन हुई है, नीचे गिरी है. जैसे मैं सुबह जिम जाता हूँ तो मेंटली प्रिपेयर होता हूँ, फिजिकली प्रिपेयर होता हूँ, लेकिन जब मैं वर्कआउट करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो बहुत जल्दी थक जाता हूँ. मतलब मेरा जो पूरा सेट होता है किसी भी वर्कआउट का, तो लास्ट में पहुँचते पहुँचते मेरी मसल बिल्कुल थक जाती है. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो मैं पहले बेंच प्रेस करता था 80 किलो की 12 रैप्स और 100 केजी की 5 रैप्स, और अब पिछले 15-20 दिन से मेरी परफॉर्मेंस घटी है, और अब मुझसे बहुत मुश्किल से 80 किलो की बेंच जो है वो 8 रैप्स निकलते हैं, और 100 किलो की 1. तो मैं इस बात से आइडिया लगा सकता हूँ कि इसको लेने के बाद मेरी जिम में परफॉर्मेंस कम हुई है, मेरी परफॉर्मेंस गिरी है. और मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ कि जो मेरी डाइट है वो सेम है, जो मेरा वर्कआउट है वो भी सेम है, और मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो भी सेम ही है यार. कोई पिछले 15 दिन में मैंने कोई अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं कर ली. और इससे पहले जो मैं वे प्रोटीन लेता था वो भी कॉन्सेंट्रेट ही था एज इट इज़ और मसल ब्लेज, तो उसको लेते वक्त मेरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी. ठीक है, मैं इसको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, या मैं इसको कोई किसी भी तरह का ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है,
लेकिन जो सच है वो है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बताया। हो सकता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा हो, किसी और को ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो, और अगर ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस डेविस्को वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और मैं दोबारा यह नहीं मंगाने वाला, मैं अपने पुराने वाले पे शिफ्ट होने वाला हूँ। और बाकी आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, शरीर आपका है, तो डिसीजन भी आपका ही होगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक का बटन जो है नीचे वो ज़रूर दबाना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो मेरे नए भाई लोग हैं, जो इस चैनल पर नए आए हैं, वो नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है बेल आइकन, उसे भी दबाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।